में चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट में, जो कि टॉपिक है एजुम्सन मेड इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल एनालिसिस। यूनिट नंबर सेकंड है इंटरनल कंबक्शन इंजन, इसके अंतर्गत है टॉपिक एजुम्सन्स मेड इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल एनालिसिस। जब हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल एनालिसिस करते हैं तो उसके कौन कौन से एजुम्सन आते हैं उसके बारे में जानेंगे। एजुम्सन सो द एयर स्टैंडर्ड साइकिल हैज सेवरल एजुम्सन्स। फर्स्ट एयर एज द वर्किंग फ्लूइड, पहला एजुम्सन होता है इसमें एयर एज द वर्किंग फ्लूइड। सो द वर्किंग फ्लूइड इज एयर दैट सर्कुलेट्स इन अ क्लोज्ड लूप एंड बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। इसमें जो एयर होता है, एयर क्या होता है, क्लोज लूप में सर्कुलेट होती है कंटिन्यू, उसके द्वारा ये वर्किंग फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो एयर एज द वर्किंग फ्लूइड फर्स्ट वाला। सेकेंड पॉइंट है इसमें एजुम्सन में इंटरनली रिवर्जिबल प्रोसेस। ऑल प्रोसेस इन द साइकिल आर इंटरनली रिवर्जिबल, जितनी इसकी सभी प्रोसेस जो होती हैं साइकिल्स में ये इंटरनली रिवर्जिबल होती हैं। नेक्स्ट है हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन। द कंबक्शन प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय द हीट एडिशन प्रोसेस फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड एन एग्जॉस्ट प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय अ हीट रिजेक्शन प्रोसेस। जब कंबक्शन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, हीट एडिशन होती है एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, और इसमें हीट रिजेक्शन होती है, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन भी होती है। नेक्स्ट है एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। इसमें एडियाबेटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है। सो द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस आर एडियाबेटिक एंड टेक प्लेस विदाउट एन इंटरनल फ्रिक्शन। एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन होता है, इसमें क्या होता है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस होती है, इसमें एडियाबेटिक होता है विदाउट इंटरनल फ्रिक्शन के। कॉन्स्टेंट केमिकल इक्विलिब्रियम, द केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इज कॉन्स्टेंट। इसमें जो केमिकल इक्विलिब्रियम होती है वो वर्किंग फ्लूइड कॉन्स्टेंट होता है। इस कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट्स, सिंस द गैस इज एज्यूम्ड एज एन आइडियल, सो द स्पेसिफिक हीट्स इट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर आर टेकन इट कॉन्स्टेंट। इसमें जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, क्योंकि गैस इसमें कौन सी होती है, आइडियल गैस होती है, जिसके कारण से स्पेसिफिक हीट होती है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर होती है और प्रेशर भी इसका कॉन्स्टेंट होता है। सेम फिजिकल कॉन्स्टेंट एज एयर, सो द फिजिकल कॉन्स्टेंट ऑफ द गैस इन द सिलेंडर आर द सेम एज दोज ऑफ एयर एट मॉडरेट टेम्परेचर। इसमें जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है उस पर फिजिकल कॉन्स्टेंट होता है। तो इसके जो एजुम्सन होते हैं, एजुम्सन हमारे इसमें आ जाएगा, एजुम्सन्स मेड इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल एनालिसिस। द एयर स्टैंडर्ड साइकिल हैज सेवरल एजुम्सन्स। फर्स्ट ऑफ एयर एज द वर्किंग फ्लूइड, द वर्किंग फ्लूइड इज एयर दैट सर्कुलेट्स इन अ क्लोज्ड लूप एंड बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। सेकेंड इज द इंटरनली रिवर्जिबल प्रोसेस, ऑल प्रोसेस इन द साइकिल आर इंटरनली रिवर्जिबल। थर्ड इज द हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन, सो द कंबक्शन प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाई द हीट एडिशन प्रोसेस फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड द एग्जॉस्ट प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाई अ हीट रिजेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट है इसमें एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन। सो द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस आर एडियाबेटिक एंड टेक प्लेस विदाउट इंटरनल फ्रिक्शन। कॉन्स्टेंट केमिकल इक्विलिब्रियम, द केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इज कॉन्स्टेंट। थर्ड नेक्स्ट इज द कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट्स, सो सिंस द गैस इज एज्यूम्ड एज आइडियल द स्पेसिफिक हीट्स एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर आर टेकन इज कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट इज द सम फिजिकल कॉन्स्टेंट एज एयर, द फिजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ द गैस इन द सिलेंडर आर द सेम एज दोज एयर एट मॉडरेट टेम्परेचर्स। सो दिस इज एजुम्सन ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल।